तब के आपके साथ आ रहे, तो क्या कहेंगे आप? हाँ जी, आज जैसे कि आपने पहले भी क्वेश्चन पूछा था कि आप इसको उग्र क्यों नहीं कर रहे संघर्ष को, संघर्ष हमेशा पड़ावाज चलते हैं, पड़ावाज जैसे किसानों का पड़ावाज चल रहा था, अभी हमारा ये भी पड़ावाज है। जैसे जैसे हमारा संघर्ष लंबा होगा, हमारे साथ सबका सैनिक तो बढ़ेंगे ही तादाद पूरे देश के कोने कोने तो, साथ साथ हमारे साथ समाजिक जथेबंदियाँ या होर जिन्हिया भी नॉन पोलिटिकल जथेबंदियां ने वो सानू समर्थन सपोर्ट के आनगियाँ, सानू यह उम्मीद है। जिमें कि अज अशोक ज्ञानी जी आए हैं, आल इंडिया फैडरेशन सैनिटेशन दे जिहड़े प्रधान ने, उन्होंने भी सानू अज सहयोग दिता है। तो इदा जो भी नॉन पोलिटिकल संस्थावां आउणगियां उन्हां दा ही वैलकम करते हैं, क्योंकि उन्होंने दिल दे विच कितने कितने साडे साबका सैनिकां दे वास्ते दर्द है कि जिहड़े देश का साबका सैनिक ही सड़कां दे उत्ते आ, तो उस देश का तो फिर दुर्भाग्य ही कहांगे। तो इस करके उन्हां दे दिल दे विच जो भी साडे प्रति हमदर्दी आ वो सानू सपोर्ट करन आए आ, असीं उन्हां दा धन्नवाद करते हैं। अशोक जी, लगातार ये मांग उठती जा रही है और सैनिकों के अंदर बहुत गुस्सा है। दो तीन समाज ऐसे हैं जैसे आपने अभी बात की, जिन्होंने कोरोना काल में जिनको सचमुच शहीद का दर्जा मिला और जिनको सेवक का दर्जा मिला और जिनके लिए फूल बरसाए गए, वो सैनिटेशन वाले थे, सुरक्षा वाले थे और डॉक्टर्स थे, हमारे स्वास्थ्यकर्मी थे। क्या लग रहा है आपको कि अब इनको इनका हिस्सा मिलेगा? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जो लोग इस देश में आगे बढ़ के अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के अपनी जान माल को, अपनी परिवार को छोड़ के, जान माल की अपनी वो दे के शहादत दे के इस देश को बचाते हैं, इसके बॉर्डर की हिफाजत करते हैं और इस देश की हिफाजत करते हैं, उन लोगों को इनके अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। और जितना जो 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 एक्चुअली जो बीच में जो डिफरेंसेस हैं ना, जो एक अधिकारी के और एक जवान के उसमें जो डिफरेंसेस हैं, वो डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। और जबकि एक अधिकारी है और कम से कम एक बटालियन में कम से कम 500-600 लोग तो कम से कम इतने होते हैं जो उन तमाम लोगों के बीच में और एक अधिकारी के बीच में इतना डिफरेंस क्यों है? क्योंकि आज की तारीख में शिक्षा है और जो जो दूसरी चीज़ें हैं, महंगाई है, वो सबके लिए बराबर है, वो किसी एक के लिए ठीक है। आपने नौकरी में जब तनख्वाह है उसमें इतने डिफरेंसेज हैं, मगर पेंशन में क्यों? पेंशन तो सबके लिए, जब आदमी घर बैठ जाता है, रिटायर हो जाता है, तो उसको सारी, और फिर उसके बाद बढ़ती एज में उसको दवाइयाँ लेनी है, दूसरी चीज़ें हैं और अच्छे से अपने को रखना है, तो ये तमाम चीज़ें हैं। और यही हाल हमारे साथ हो रहा है सैनिटेशन एम्प्लॉयज़ के साथ। और जो भी सरकार आती है हमें लगता है कि ये कुछ करेगी, लेकिन ऐसा लगता है कि ये सरकारें बिल्कुल ये उदासीन है कि इस देश में जो सबसे कमज़ोर तबके हैं और जो सबसे ज़्यादा लड़ते हैं इस देश के लिए, उनको ये कुछ देना नहीं चाहते हैं। एक पूंजीपति इस देश का जो बजट है इस साल का 45 लाख करोड़ रुपए, उसका एक चौथाई हिस्सा 10 लाख करोड़ वो एक झटके में गवा देता है और वो 10 लाख करोड़ रुपए चले जाते हैं और सरकार को कान पे जूं तक नहीं रेंगती है। इससे बढ़िया इस देश के सैनिकों को, सैनिटेशन एम्प्लॉयज़ को, स्वास्थ्य कर्मियों को, जो इसकी मेन फोर्स है, भारत किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है, उसको तुम स्ट्रेंथन करो ना, ताकतवर करो ना, पैसा दो ना, जितना पैसा मिलेगा आपको रिटर्न ही तो आएगा। दूसरी बात ये कि हम ये कहना चाहते हैं, हम किसी कोई पॉलिटिकल नहीं है, हमारी हर सरकार जो सरकार उसमें सत्ता में होती है तो हम अपनी मांग पीसफुली जिस तरह बैठ करके दे रहे हैं उस तरह हम भी देते हैं। ऑल इंडिया में हमारा सैनिटेशन एम्प्लॉय काम करता है और ठेकेदारी में काम कर रहा है 20-20 साल से, 30-30 साल से, 12,000, 8,000, 10,000 रुपये पगार मिल रही है और आज जो जवान रिटायर हो जाता है वो भी ठेकेदारी में काम कर रहा है, सिक्योरिटी सर्विस में। योजना भी तो एक तरह का ठेका ही है, कुछ दिन के लिए रहो और चले जाओ, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी झाड़ ली सरकार ने, उनकी तो पेंशन भी नहीं है। नहीं देखिए, उस पर मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि वो सरकार का एक अपना एक डिसीजन है, उस पर सैनिकों को ज़्यादा इनिशिएटिव लेना है कि जो सैनिक हैं और जो आगे आने वाले हैं। मैं इस पर कहूँगा कि अभी मौजूदा तौर में जो लोग काम कर रहे हैं कम से कम उनको तो दो, अब वो बाद में आएंगे जब भी भर्ती होंगे। वो तो देखिए, जब कोई योजना बनती है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद पता चलता है अच्छा बुरा उसका क्या है। जब ये वो भर्ती हुए हैं अभी 5-4 साल के लिए, तो उसमें धीरे धीरे अमेंडमेंट होते हैं, ऐसा नहीं है कि अमेंडमेंट नहीं होते हैं। तो जो भी सरकार है उसमें आगे पीछे करती है, जो सुविधाएँ कमी रह जाती है पूरा करती है, मगर आज जो ये बैठे हैं हमारे बहुत साल से लड़ रहे हैं, कम से कम ये जो नई सरकार आई थी, मोदी साहब की सरकार आई थी, इससे तो सैनिकों को और हमें सफाई कर्मचारियों को बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि मोदी साहब जब प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले वाल्मीकि मंदिर पचकिया रोड पे आके उन्होंने झाड़ू लगाई और स्वच्छता मिशन का उन्होंने नारा दिया। तो हमें तो ये लग रहा था कि भाई हमारे तो अच्छे दिन आने वाले हैं, हम तो परमानेंट होंगे। और वही जवानों के साथ जब उन्होंने कहा था कि जवानों के बीच में जाके उन्होंने कहा था कि भाई मैं तुम्हारे लिए वो करूँगा स्पेशल पैकेजेस, बहुत सारी चीज़ें कही थी। तो इन दोनों आप ठगासा महसूस कर रहे हैं
कि भाई ये प्रधानमंत्री मोदी जी, हम आपको बहुत प्यार करते हैं, आप बिल्कुल जमीन से उठे हुए नेता हैं, लेकिन कृपया करके अपने भाइयों के जो गरीब हैं उनके बारे में सोचो, सैनिकों के बारे में सोचो। बताइए कि जो डिसेबिलिटी की बात हो रही है, डिसेबिलिटी पेंशन की, मैं बता दूं कि अफसर का अक्सर ये सवाल उठा कि अफसर का पैर क्या सोने का और जवान का पैर क्या मिट्टी का है, तो उसमें मैं बात करूँगा जो बात उठी, तो इसमें जब कोई अंग खो देता है युद्ध के अंदर तो उसको समान रूप से मिलना चाहिए, तो इस पे तो यूरोप में भी जैसा आपने कहा सब जगह एक जैसा है, तो सरकार क्यों इसमें भेदभाव कर रही है? देखो, जो हमारा संविधान है, संविधान ने हमारे को बराबरता का अधिकार दिया है, ठीक है, जेडे अधिकारी या पढ़े लिखे कमीशन लेके जाते हैं उनकी जेडी पे अलग है, हमारा जो नीचे लेवल के जो सिपाही भर्ती होता है उनका अलग है पे स्ट्रक्चर, हम और उसी हिसाब ना जो पे होती है, पे का लास्ट पे ड्रान का जेड़ा वह पेंशन लगती है, भावें अधिकारी है तो उसको पेंशन लग लगेगी। हमारी ये डिमांड नहीं है कि हमारी पेंशन अधिकारियों के बराबर हो, हमारा ये है डिमांड के जो समानता के अधिकार है, जो अलाउंस हैं, जो डिसबिलिटी अलाउंस है जिमें के, वो तो जैसे यूरोप कंट्रियों में बराबर है, जोड़ा मिलिट्री सर्विस पे रिस्क पत्ता वो भी बराबर है, तो हम वो बराबरता के अधिकार मांग रहे हैं, ना कि हम ये मांग करके कर रहे हैं कि अधिकारियों के बराबर हमारी पेंशन हो जाए, उनकी तो पेंशन बढ़ ही रहेगी, लेकिन रेसो जेड़ी रेसो दे विच सातवें पे कमीशन दे विच जो उनका बड़ा है, वही आपका बढ़ना, जैसे सातवां पे कमीशन हुआ है, ये पहली दफा हुआ कि अधिकारियों को जेड़ा वा 2.81 रेसो दिया है और हमारे जवानों को 2.57, जिसके कारण ही मतलब हमारी जेड़ी ओआरपी रिविजन है वो सानू नुकसान हो रहा, और जो अधिकारी जेड़े 2.57 में आए थे वो भी अभी जो ओआरपी रिविजन में 2.81। आप लगातार आप समाज सेवियों का समर्थन लेते रहेंगे, आपने ये तो कह दिया कि ये गैर राजनीतिक मंच है, यहाँ पर आप राजनीतिक दलों को नहीं आने देंगे, लेकिन समाज के और लोग अगर लगातार जैसे आज अशोक अज्ञानी जी आए, अन्य लोग आए, हम राजनीतिक दलों ये नहीं बोला कि नहीं आने देंगे, जो आएगा उनका हम वेलकम करते हैं, जो हमारी सपोर्ट में आएगा, जिनके दिल में हमारे सबको सैनिकों के लिए दर्द होगा, लेकिन हमारा जो यहाँ संस्था का मेन एम है कि हम उनको स्टेज नहीं साझी करने देंगे, लेकिन जो नान गैर राजनीतिक या सामाजिक संस्थावान आनगियाँ असं उन्होंने वेलकम करा अगर सू सपोर्ट कर दे। तो आप ये आह्वान करना चाहेंगे वीडियो के माध्यम से कि कोई भी गैर राजनीतिक संस्थाएँ जो राजनीतिक नहीं है वो आपके आपको सपोर्ट करना चाहें तो आपसे मिल सकते हैं, आपसे संपर्क कर सकते हैं, आपको यहाँ आके समर्थन दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल जी, जो भी सबका सैनिका दा वीर नारियां दा जेड़े साढ़े शहीद परिवार है उन्हां दियां पेंशनां भी जिहड़ियां ओआरपी 1 दे विच भी नहीं वधियां सीगियां ते ओआरपी 2 दे विच भी नहीं, जिन्हां नूं साढ़े शहीद परिवारां दा, साढ़े सबका सैनिकां दा, साढ़े रिजर्वस जिहड़े 3-3 लड़ाइयां लड़ के आए आ, उन्हां नूं ओआरपी दा जिहड़ा कोई लाभ नहीं मिलिया, अगर उन्हां दे कोई भी संस्था ऐसी है नॉन पॉलिटिकल वो साड़ी स्पोर्ट दे विच आना चाहुंदी है ते असीं उन्हां दा वेलकम करांगे। पर हमारी आपको कैसी लगी, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू।